नमस्कार दोस्तों, अवरल टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाक्षी दीक्षित। शुरू करते हैं आज की प्रमुख खबरें। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी और पूर्वी मध्य अरब सागर में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है। पूर्वोत्तर असम, जम्मू और पाकिस्तान के क्षेत्रों में भी साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक्टिव है। इसके चलते पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने से देश के कुछ राज्यों में बारिश हो रही है। आज और अगले 2 से 3 दिन केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, गुजरात, कोंकण, मध्य प्रदेश में आंधी तूफान के साथ बौछारें पड़ेंगी। कुछ इलाकों में भारी से भारी बारिश के आसार हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बड़ा हमला हुआ है। हथियारों से लैस बंदूकधारियों ने बलूचिस्तान में कोयला खदान पर हमला कर दिया है और गोलियों से भूनकर 20 खनन कर्मियों की हत्या कर दी है। इस गोलीबारी में 7 अन्य लोग भी घायल हुए हैं। आईआईटी कानपुर की जियोलॉजिकल साइंस से पीएचडी कर रही छात्रा प्रगति ने हॉस्टल स्थित अपने रूम में फांसी लगाकर जान दी थी। आत्महत्या का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। तमिलनाडु में रोड के पास स्थित कपड़ा इकाइयों में काम कर रहे 7 बांग्लादेशी नागरिकों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है, क्योंकि उनके पास पासपोर्ट वीजा नहीं था। सौर तूफान तेजी से धरती की तरफ बढ़ रहा है, जिसका सीधा असर पावर ग्रिड यानी बिजली पर पड़ सकता है। अमेरिका के उत्तरी हिस्से पर इसका ज्यादा असर देखने को मिल सकता है। उत्तरी कैलिफोर्निया में इसका कम प्रभाव होगा। लखनऊ विश्वविद्यालय ने सत्र 2024-25 के लिए पीएचडी पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। अभ्यर्थियों से संबंध कॉलेजों और विवि की 927 सीटों पर प्रवेश के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 5 नवंबर है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की फाइनेंशियल कंपनी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ने नया जियो फाइनेंस ऐप लॉन्च कर दिया है। यूजर्स गूगल प्ले स्टोर, एप्पल ऐप स्टोर और माई जियो से इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आज बाजार के खुलने से पहले जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने स्टॉक एक्सचेंजों को रेगुलेटरी फाइलिंग में ये जानकारी दी है कि कंपनी ने नया और सुधार कर जियो फाइनेंस ऐप को लॉन्च कर दिया है। टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड यानी कि TCS ने गुरुवार के तिमाही नतीजे के साथ साथ डिविडेंड का भी ऐलान किया है। कंपनी ने चालू वित्त वर्ष 2024 के लिए अंतरिम डिविडेंड का ऐलान किया है। कंपनी ने इस बार एक शेयर पर ₹10 का डिविडेंड देने का ऐलान किया है। योग्य निवेशकों को कंपनी की तरफ से डिविडेंड का भुगतान 5 नवम्बर 2024 को होगा। महादेव बैटिंग ऐप के मालिक को दुबई के अंदर हिरासत में लिए जाने की बात सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की टीम महादेव ऐप के मालिक सौरभ चंद्राकर को एक हफ्ते के अंदर भारत लेकर आ सकते हैं। दिल्ली स्थित लाल किले पर पिछले 50 साल से हर बार लव कुश रामलीला का आयोजन किया जाता है। दिल्ली की लव कुश रामलीला समिति के अध्यक्ष अर्जुन सिंह ने एक बयान में कहा, बुराई पर अच्छाई की जीत को मनाने के लिए इस बार लव कुश रामलीला में हमने सिंघम अगैन के निर्देशक रोहित शेट्टी और इसके एक्टर अजय देवगन और करीना कपूर को आमंत्रित किया है। उन्होंने हमारा निमंत्रण स्वीकार कर लिया है और 12 अक्टूबर को कार्यक्रम में रावण दहन करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसे ही देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहें अवरल टाइम्स के साथ। धन्यवाद।